हेलो फ्रेंड्स, मुँ रश्मिरंजन आपको स्वागत जनावे आपर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम को। तो आज भिडियो आम देखा जो टारगेट वेभेस 2021-22 मुझे तो डिटेल्स कल मुझे डिस्कसन करते सारा पोस्ट अच्छी कौन आम सिलेक्शन प्रोसीडर कौन सिलेबस अच्छी कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सब कल डिस्कसन करते तो से किसी प्रॉब्लम अच्छी जोटा कि पिलाने बुझीपारे ना जोटा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से बुझीपारे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो ता सहित आज वीडियो आम देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोटा कि मेन फोकस आम रोक कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छी मेनली आम टीजेटी पोस्ट पर पीजेटी पोस्ट प्रिंसिपल कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन ता सहित आम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रोचे के मार्क रखिले आपने सिलेक्शन हे कौन इंटरव्यू रोचे से विषय में डिटेल्स आज डिस्कसन करवा। तो ये पर्यटन जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनी टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाए कहीं टेलीग्राम चैनल आपने डिटेल्स इनफर्मेसन पीडीएफ फाइल से पाइबे ता सहित जेकोसी आम जो क्लास चलती से वेबेज हो कि सीटेड हो सब क्लास लिंक आउ इनफर्मेसन टेलीग्राम चैनल ही आपजे। तो फास्ट आम देखा एज लिमिट तो कल जो आम देखी एज लिमिट तो एज लिमिटा देखो कौन अच्छी फास्ट आम देखा प्रिंसिपल पोस्ट तो प्रिंसिपल पोस्ट एज लिमिट रही देखते के आमर हायर लिमिट रही 50 आउ लोअर लिमिट रही 32 तो 32 रु 50 इयर भितर होता दरकार बुझेगा जोटा कि प्रिंसिपल आमर एटा रहा एज लिमिट सेटा कैलकुलेशन हम के 2020 जेहेतु बाढ़ 2020 अनुसार कैलकुलेशन है तो आपणकर नोटिफिकेशन जब आसो से ही डेट अनुसार आपण मानकर कैलकुलेशन हम केज लिमिट रही तो प्रिंसिपल मिनिमम है आम 32 मैक्सिमम है 50 बुझेगा। तापर जा प्रिंसिपल को छाड़ी आउ जहाँ रहा से पीएड हो टीजीटी हो पीजीटी पोस्ट हो बुझेगा तो तार लिमिट के रही तो देखू कैंडिडेट सेल बी अंडर 32 इयर एंड अबव 21 इयर तो 21 इयर उपर 32 वर्ष तौक बुझेगा यहाँ आम जेनेल हाउ एवर इन केस अफ एससी एस टी वुमेन आउ एससीबीसी एससी एस टी वुमेन आउ एससीबीसी मानक अपर एज लिमिट 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही तो 5 इयर रिलैक्सेशन माने 32 वर्षटा आम 37 वर्ष बुझेगा यहाँ आम एससी एस टी वुमेन आउ एससीबीसी मानक तो जनरल भी जो मैंने अनरिजर्व वुमेन जामानकर भी 37 वर्ष बुझेगा यह रहा आम एज्र क्राइटेरिया। तापर क्वालिफिकेशन तो आपण वेभीएस अप्लाई करने जेकोसी पोस्ट हो सी प्रिंसिपल हो कि सी टीजीटी हो कि पीजीटी हो तो आपण को जेकोसी तीन टा भितर गोटे क्वालिफिकेशन थिबा दरकार जोड़ा कि आम टीएट कौन टीएट ना आमर ओडिशा जो कंडक्ट करूटेट तो उटेट पेपर टूटा आम क्वालिफिकेशन होता दरकार क्वालिफाई होता दरकार ता सहित जदि एटा करेंगे ना और सीटेट सीटेट पेपर टू भी क्वालिफाई कर दरकार और ओएसएसटेट क्वालिफाई कर दरकार ये तीन टा भितर जेकोसी गोटे लेट आप उटेट टू क्वालिफाई कर नहले ओटे टू ना सीटेड टू क्वालिफाई कर नहले वेस्टेड क्वालिफिकेशन जेकोसी गोटे क्वालिफिकेशन कले आपण मैंने अप्लाई करने एलिजिबल बुझीगला तो यहाँ रहा क्वालिफिकेशन ये तीन टा आप क्वालिफाई कर दरकार। तापर जा वेभेस प्रिंसिपाल कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कल मुझे कही प्रिंसिपाल देखो तो फास्ट रही मास्टर डिग्री एमएससी एमएससी कर दरकार तापर बीएड कर दरकार तो मास्टर डिग्री पीजी कर दरकार तापर बीएड कर दरकार आउ गोटे मेनली रही प्रिंसिपाल जोटा कि वर्क एक्सपीरियंस तो सी प्रिंसिपाल को स्कूल प्रिंसिपाल दरकार ना आम वाइस प्रिंसिपाल दरकार ना टीजीटी कि पीजीटी पोस्ट 10 वर्ष कि 5 वर्ष से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है टेलीग्राम चैनल देदेवी वर्क एक्सपीरियंस कौन तो सीटा ये देखने कि वर्क एक्सपीरियंस दरकार बिना वर्क एक्सपीरियंस आपने वेभीएस प्रिंसिपाल अप्लाई करें तापर देखा पीजीटी पोस्ट तो पीजीटी पोस्ट आम रोज आइदर आपण मैने जो रोज कंप्लीटेड 2 इयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्राजुएटेड कोर्स ता सहित बीएड कर दरकार ना आपण मैंने एमएससी सहित बीएड कर दरकार बुझेगा कनसर्न इकोनॉमी एटलिस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट तो आपण मान बीएड सहित जदि एमएससी करें एमए करें
तो सेटारे आपण माने पीजीटी पई क्वालिफिकेशन करिवे जते सारा पीजीटी पोस्ट अछि। तो पीजीटी रो हमर जो आछि फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो तो हमर करेस्पोंडेंस जो से रेस्पेक्टिव जो रहिछे सब्जेक्ट फिजिलेट आपण माने पीजीटी फिजिक्स पई अप्लाई करचोंदी तो फिजिक्स रे एमएससी करथिबा दरकार ता सहित आपण मानको बीएड करथिबा भी दरकार बुझियाला। एटा रहिला पीजीटी रो एलिजिबिलिटी। तापर कौन रहिला टीजीटी जोटा कि आम मेन फोकस रही मैक्सिमम पिला टीजीटी रे जानिपारु नहांती। तो टीजीटी रे कौन एलिजिबिलिटी रही तो देखो फास्ट टीजीटी एलिजिबिलिटी रहिला आपण माने आइदर फोर इयर इंटीग्रेटेड बीएड जो अच्छी रीजनल कॉलेज रो बीएससी बीएड जो अच्छी तो सेटारे आपण माने क्वालिफिकेशन करथिबा दरकार 50% मार्क एग्रीगेट रखथिबा दरकार 45% एससी एसटी पीएच आउ एससीबीसी पिलानक पई 45% रखथिबा दरकार। तो बीएड करथिबे एटा रहला फोर इयर इंटीग्रेटेड बीएड और आपण माने जदि टू इयर बीएड करथिबे ता सहित बैचलर बीएससी करथिबे ता सहित रहिछ कोन देखंथु एलोंग विथ डिग्री इन बैचलर इन एजुकेशन बीएड भी करथिबा दरकार जोटा कि आमर एनसीटी अनुसार से इंस्टिट्यूट रो बीएड करथिबा दरकार। तो टीजीटी पोस्ट पई मेनली कोन रहिला ना आमर फास्ट आपण माने डिग्री बा प्लस थ्री करथिबा दरकार से बीए हो कि बीएससी हो आउ बीएड करथिबा दरकार बुझियाला। तापर देखिबा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन रहिबा दरकार तो टीजीटी इंग्लिश में तो टीजीटी इंग्लिश जो माने अप्लाई करिवे तो से माने कौन करिवे ना इंग्लिशटा ऑनर्स रे नैथिबे नहले पास रे नैथिबे नहले इलेक्टिव जो रहिला मेजर इलेक्टिव नहले माइनर इलेक्टिव आउटे रहिला स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो टीजीटी इंग्लिश में यदि की रहिला तापर टीजीटी उड़िया पई उड़ियाटा को आपण माने आइदर ऑनर्स नैथिबे नहले पास नैथिबे नहले इलेक्टिव मेजर नहले स्पेशल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन बुझियाला। तो ग्रेजुएशन जदि ऑनर्स पास ता सहित इलेक्टिव किंवा मेजर जदि आपण मानकर इंग्लिश थी तो टीजीटी इंग्लिश पई अप्लाई करि परबे टीजीटी उड़िया पई सेमती उड़ियाटा को ऑनर्स पास इलेक्टिव नहले मेजर आमर इलेक्टिव रूपे आपण माने नैथिबा दरकार। तापर रहिला टीजीटी सोशल साइंस तो देखंतु सोशल साइंस रो कोन रहिछि यू मस्ट हैव ए सब्जेक्ट इन बीए आपण माने जो प्लस थ्री करचोंदी बीएफ करचोंदी तो सेतिरे जो चारिटा सब्जेक्ट रु हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ए चारिटी रु गुटिया सब्जेक्ट रहिबा निहाती दरकार बुझियाला। आपण मानको प्लस थ्री रे ए चारिटी सब्जेक्ट रु गुटिया सब्जेक्ट निहाती थिबो जो माने टीजीटी सोशल साइंस अप्लाई करिया पई चाहौचोंदी ता सहित इन एडिशन ताको छाड़ी कि यू मस्ट हैव वन मोर सब्जेक्ट ए जो आठटा सब्जेक्ट रहिला हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी इंडियन ज्योग्राफी तापर लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स इलेक्टिव और पास तो ए जो जतिक सारा ए आठटा रहिला आठटा भितर आपनको गुटी रखिबाको पड़िबो बुझियाला। तो दीटा आपण मानकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहुछि फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए जो चारिटी रु हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स रु गुटी रखिथिबा दरकार आउ ए जो आठटा रहिला ए आठटा रु गुटी रखिथिबा दरकार। तो आपण कहिबे मु उपरे हिस्ट्री रखिछि तळे बे हिस्ट्री रखिछि सेमिति हबो नै उपरे जोटा रखथिबे तळे ताको छाड़ी आउ गोटे सब्जेक्ट आपण मानको रखिथिबा दरकार। तापर देखिबा टीजीटी मैथ तो मैथ रे देखंतु मैथ रे आपण माने प्लस थ्री रे बैचलर इन डिग्री और एटलिस्ट 200 मार्क इन मैथ मैथ सब्जेक्ट रूपे आपण माने जो प्लस थ्री रे बीएससी तो जो माने बीएससी करचोंदी तो से माने प्लस थ्री रे 200 मार्क मैथ पढ़ा दरकार 200 मार्क मैथ पढ़ा दरकार ता सहित आउ दुटा सब्जेक्ट थी दरकार एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट तले जो सब्जेक्ट दे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस ना कंप्यूटर आमर आप्लिकेसन ना स्टैटिस्टिक्स तो ये जो रही सब्जेक्ट मध्य दुटा सब्जेक्ट रही दरकार बुझेगा। तो टीजीटी मैथ रण ना फास्ट आपण मानक मैथ रे 200 मार्क पढ़ा दरकार जोटा कि प्लस थ्री रे सेकेंड रोज दुईटा विषय आउ रही दरकार ये जो दे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर आप्लिकेसन आउ स्टाटिस्टिक्स दुईटा सब्जेक्ट आपण मानक रही दरकार सेमती जदि प्लस थ्री करना जो मैंने बीटेक् कि बी डिग्री करमती 200 मार्क मैथ तापर से ही फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एथिरु दुईटा सब्जेक्ट रही दरकार। तो तीन टा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रोज फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ तो यहाँ कंपलसरी रो मैंने मैथ अप्लाई करेंगे से मैथ रे दूसरी मैथ रे आपण मैंने 200 मार्क एग्जाम दे दरकार दुईटा रोज आउ दुईटा सब्जेक्ट रही दरकार से फिजिक्स केमिस्ट्री हो
किंबा कंप्यूटर साइंस हो किंबा कंप्यूटर एप्लीकेशन हो किंबा स्टैटिस्टिक्स हो। या पर जीवा टीजेडी साइंस को माने अप्लाई करि परबे सेटा देखिबा। तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस विथ एनी थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग जो तले जति सब्जेक्ट देछि ता भितर तीनटा सब्जेक्ट आपन मानकु रखिबा को माने प्लस थ्री रे रखी थिबा दरकार। जदि माने प्लस थ्री रे तीनटा सब्जेक्ट रखि दिबे से माने अप्लाई करि परबे। मेनली रहउछि कोन बॉटनी जूलोजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस एटा मेनली जो मानकर प्लस थ्री रे सीबीजेड थिबो से माने टीजीटी साइंस अप्लाई करि परबे। बुझेला जो मानकर सीबीजेड थिबो से माने बॉटनी जूलोजी केमिस्ट्री तांकर सब्जेक्ट थिबो से माने ही अप्लाई करि परबे टीजीटी साइंस। बुझेला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तापर नेक्स्ट देखिबा हमारा पीएड मानकर तो पीएड मानकर तांकर जो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करथिबे सेथिरे से माने क्वालिफिकेशन हेतिबा दरकार। ए रहला पेड मानकर। तापर हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया केमिति सिलेक्शन हेबे केते मार्क रो एग्जाम होबो मु खाली कहि देथिले जोरा कि 200 मार्क रो एग्जाम होबो माइनस मार्क अछि आउ सीबीडी एग्जाम होबो सीबीजी रे एग्जाम होबो 0.25 मार्क माइनस मार्क रहिछे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कोन आमे डिटेल्स देखिबा। एबे आमे देखिबा सिलेक्शन क्राइटेरिया कोन अछि केमिति सिलेक्शन टा हुए से विषय रे डिटेल्स देखिबा। एथिरे कोनसी हमर जो मार्क रे जो फाइनल मेरिट लिस्ट आसे तो से बहुत पिला माने कैलकुलेशन ही भूल करती। यूट्यूब रे बहुत सारा आपण मानको मिल जाव वीडियो जोटा कि कैलकुलेशन समस्त कैलकुलेशन भूल अच्छी ये वेटेड आमर इवैल्यूएशन दी तो केमी कैलकुलेशन हुए से विषय डिटेल्स देखा। तो फास्ट स्टार्टिंग रु आसवा केमी आमर सिलेक्शन क्राइटेरिया रही। तो देखो फास्ट मुझे कहली आमर ऑनलाइन टेस्ट हम फास्ट सीबीटी तो सीबीटी टेस्ट हम तापर रहा आमर क्वेश्चन जो पड़ो तीन टा पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री तो तीन टा पार्ट रो क्वेश्चन आसो जोटा कि 200 क्वेश्चन आउ 200 मिनिट आ पर क्वेश्चन गोटे मार्क लेखाएं आउ 0.25 माइनस मार्क अच्छे गोटे क्वेश्चन भूल हेल्ले आपण मैं 0.25 मार्क माइनस होपर देखा तीन टा जो पार्ट रहा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तो मुझे डिटेल्स कहीदी कौ पार्ट कौन आसो आउ थे टेदे। तो पार्ट वन रु इंग्लीश रे 20 मार्क उड़िया रे 20 मार्क आसो बुझेगा। तो पार्ट वन रु टोटाल आमर के पड़ा ना 40 मार्क बुझेगा। तापर पार्ट टू रे आमर आसो करेन्ट अफेयर रु 30 मार्क तापर पड़ो रिजनिंग रु 30 मार्क। तो पार्ट टू रु आमर के पड़ा ना 60 मार्क। तो यही जो 40-60 एगुड़ा होगा कंपलसरी समस्त सेम से पीजीटी हूँ टीजीटी हूँ टीजीटी जेकोसी कैटेगोरी हूँ कि से प्रिंसिपल हूँ तो आम समस्त यही 100 मार्क कंपलसरी बुझेगा। तापर रहा पार्ट थ्री रो 100 मार्क आसान मान जो रहा मेथड टॉपिक आपण रोचे जार जो टॉपिक थी सिलेबस अनुसार मुझे टेलीग्राम आपने जाकि मेथड सिलेबस देखिपारे। तो यहाँ पार्ट थ्री में पड़ा आमर 100 मार्क। तो एतिके मार्क आमर रिटिन परीक्षा हम जोटा कि टीजीटी पीजीटी तो 60-40-100 के 200 मार्क आपण मैंने रिटिन एग्जाम देवे बुझेगा। तापर जीवा कैलकुलेशन पाखक देखो कैलकुलेशन जो देखिए आमर 8.2.4 कौन डिटेल्स कही डिटेल्स या कही आमको कैलकुलेशन फास्ट पार्ट वन को जीवा को पड़ो। तो पार्ट वन आम रहा कौ पार्ट गोटे रहा इंग्लीश आ गए रहा ओडिया। तो इंग्लीश रु 20 क्वेश्चन सॉरी ओडिया रु 20 क्वेश्चन इंग्लीश रु भी आसो 20 क्वेश्चन। तो आमको पार्ट वन इंग्लीश रे 20 रु मिनिमम आमको 5 रखा पड़ो आउ ओडिया रे 20 रु 5 रखा पड़ो। तो इंग्लीश रे 5 ओडिया रे जदि 5 रखुचंदि आपण माने क्वालिफाई जो होचंदि जदि इंग्लीश रे किंबा उड़िया रे कौनसी भी आपण माने 5 रु कम रखुचंदि आपण मानकर आउ पार्ट टू कैलकुलेशन हबो नाही। आउ गोटे रही जो इंग्लीश उड़िया 5-5 तो मिनिमम रहिला दुईटा रे मिसिके आपण मानकर 13 मार्क रहिबा निहाती दरकार बुझेला। केवल पार्ट वन आम रहा क्वालिफिकेशन करेब जदि पार्ट वन आपण मानकर 13 मार्क 40 रु 13 मार्क नाही ताहले आपण माने क्वालिफाई नुहे। किंबा जदि इंग्लीश किंबा ओडिया रे कोनोसी टॉपिक रे आपण मानकर 5 रु कम रही जाइछि ताहले से भी आपण क्वालिफाई हेबे नाही। लेट धरंतु आपण मानकर ओडिया रे रही जाइछि 12 मार्क किंतु इंग्लीश रे रही छि आपण मानकर 4 मार्क ताहले आपण क्वालिफाई नुहे बुझेला। तो मिनिमम 5-5 रखा पड़ो आ टोटाल 13 मार्क रखा पड़ो एति जदि रखुचंति आपण मानकर तापर खाता देखा जिवो पेपर 2 आ पेपर 3 बुझेला। तापर पेपर 2 आ पेपर 3 देखा जिवो।
तापर रहिबा हमर कोन ना इंटरव्यू रे 40 मार्क रहूची रिटेन परे हमरो रिटेन एग्जाम परे इंटरव्यू रहूची जोटा कि 40 मार्क रिटेन आमे देले केते ना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देले किंतु देखंतु पार्ट 1 टा केवल रहिला हमरो क्वालीफाई करेबा पई पार्ट 1 मार्क केबे भी हमरो कैलकुलेशन को आसीबो नाही जोटा कि फाइनल मेरिट लिस्ट रो फाइनल मेरिट लिस्ट को आसीबो कोटा ना केवल पार्ट 2 आ पार्ट 3 बुझेला पार्ट 2 रु 60 मार्क पार्ट 3 रु 100 मार्क तो रिटेन लो हमरो 160 मार्क आसीबो जोटा कि फाइनल मेरिट को 160 मार्क कैलकुलेशन को आसीबो सेमिति इंटरव्यू रो आसीबो 40 मार्क रो कैलकुलेशन आसीबो बुझेला तो एति के निया गला कैलकुलेशन ल एई गुडा हमरो कैलकुलेशन को आसीबो पार्ट 1 कैलकुलेशन को आसीबो नि किंतु पार्ट 1 हमको क्वालीफाई करबो जदि पार्ट 1 ले क्वालीफाई करु नाहांदी ताले आपण फेल बुझेला तापर लास्ट पॉइंट देखंतु फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट प्रिपरेशन कला बेले वेटेड इवैल्यूएशन स्कीम शैल बी टेस्ट 70% ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड इंटरव्यू 30% तो ये जो वेटेड इवैल्यूएशन कौन समस्तंकर एटा डाउट होछि एटा बुझि पर नथि 70% ऑफ पार्ट 2 पार्ट 3 कौन आ 30% ऑफ इंटरव्यू सेटा कौन बुझि पर नथि तो एटा को हमें डिटेल्स बुझिबा तो फास्ट मुझे जमी कहली आम कैलकुलेशन हाँपाई आम फास्ट देदे 200 मार्क रिटेन एग्जाम दे 200 मार्क भितर पार्ट 1 ले आम इंग्लीश आड़िया एग्जाम देते जोटा कि इंग्लीश में मिनिमम 5 रखा पड़ो ओडिया मिनिमम 5 रखा पड़ो आसईक आमको 13 मार्क रखा पड़ो जदि ये न रखुंत आम टोटाल फेल हो गले पड़ेगा तापर आम रहा पेपर 2 आ पेपर 3 पेपर 2 रे आमे देथिले 60 मार्क पेपर 3 रे देथिले 100 मार्क टोटल हेगला केते 160 मार्क एई 160 मार्क रो हमर कैलकुलेशन ले जीवो आउ रहिला हमर जो इंटरव्यू थिला तो इंटरव्यू जो थिला इंटरव्यू देथिले हमर 40 मार्क एई 40 मार्क रो जते मार्क रखिले सेटा भी हमर कैलकुलेशन को जीवो तो कैलकुलेशन केमिति हबो तो देखंतु ये हला हमर केते ना 160 रिटेन इंटरव्यू रोइला 40 मार्क तो आमको कौन कही 70% जोटा कि वेटेड इवैल्यूएशन हम 70% दिजो वेटेड क्या ना पार्ट 2 पार्ट 3 जो रिटेन को और इंटरव्यू को 30% दिजो तो गोटे एग्जांपल माध्यम आम बुझा आमर रिटेन ले टोटल मार्क ताले कैलकुलेशन के गला ना 160 आ रहा इंटरव्यू रे के 40 मार्क बुझेगा लेट आपण मान 160 रु रहा के मार्क ना 80 मार्क रहा रिटेन ले बुझेगा तो आमर एटा वेटेड इवैल्यूएशन अनुसार कौन आमर रहिबो ना 80 जतिक मार्क रखिले बाय टोटल मार्क 160 मार्क इंटू जतिक वेटेड मार्क आपण मन कर दिए वेटेड दिए जे केते 70% इंटू 70 तो 80 रो काटि देले 80 दुने 160 2 रो काटि देले 35 तो रिटेन लो आमर वेटेड मार्क अनुसार बाहला 35 बुझेला सेमिति इंटरव्यू रे 40 रु लेट आपण रखिले 20 मार्क बुझेगा तो एथिरे आमर मार्क कैलकुलेशन केमिति हबो ना जतिक मार्क रखिले 20 बाय टोटल मार्क 40 इंटू एठी वेटेड दिज के 30% बुझेगा काटि देले बाहर 20 दुने 40 दुरे काटि देले 15 तो एठी हो गला 15% तो ये 35% ये 15% दुटा एड हम बुझेगा तो ये दुटा जब एड हो के हूँ ना आमर 35, 40, 50% तो आप टोटल 50% बुझेगा तो कैलकुलेशन बुझिपारे जहाँ भी प्रॉब्लम रोचे कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करूँ तो यहीटा रोचे आम वेटेड जदि देखा फर्मूला यह रही है आप जा इंटरनेट सोर्स देखिपारती तो जो मैंने भी कहते जैसे मार्क रखिंट तार 70% सटु जी मार्क रखुं तार 30% सेमती कैलकुलेसन हेनी तो यही टाइप रैलकुलेसन हम तो एग्जांपल माध्यम कहले आपने बुझिपारे आउ गोटे कथा रहा क्लास तो क्लास आमर ट्यूजडे टू ट्यूजडे रु आमर ओएभीएस रेगुलर क्लास स्टार्ट जोटा कि आम पेपर 1 सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 आउ पार्ट 3 कंपलसरी क्लास कर बुझेगा तो रेगुलर क्लास हम तो जो मैंने क्लास गुड़िक अटेंड करने को चाहते टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाए से लिंक पाइपे ना यूट्यूब क्लास आपरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम जोटा कि जाके आपटेड करें।
तो एतिक थिला इनफॉरमेशन जहार भी डाउट अछि आउ किछ डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु मु तार रिप्लाई देबा को चेष्टा करबी। तो वीडियो टी जदि भल लागिछि वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आम चैनल सहित जुड़ी रहबा पय आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।